हमको मदीन जो है ना, ना छोड़ो ना छेड़ो, हम बहुत ही परेशानी के आलम में गुजर रहे हैं आजकल। और ये तो जैसे कि इसको चुप पिला गई है, कोई बात नहीं करती, जैसे गूंगी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक हो गया? और मुंशी साहब ठंडा पानी रखा हुआ है? थोड़ा तहल होते हैं, घरेलू परेशानियां होती हैं, सब कुछ होता है। ठीक है जी, तो रूटीन जैसे शेयर, क्योंकि हमारे पास और टॉपिक कोई नहीं है। ठीक है जी, तो यही हमने दिखाना है, यही बातचीत करनी है। लेकिन जो ये कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। क्या हाल है जी? प्यारे बहन भाई ठीक ठाक हैं? खुश हैं? तबीयत से ठीक? आई हो बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी ठीक, अल्लाह का करम, शुक्र अदा पाकिस्तान वाले का करते हैं। व्लॉग हो गया अपना स्टार्ट, वो भी सहरी वाला, क्योंकि रमज़ान है। रमज़ान में जो है अफ्तारी की रूटीन, सहरी की रूटीन ये शामिल होती है। उसके बाद जो है दिन को जो काम होते हैं, अफ्तारी का सामान लेना होता है, सब्जी वगैरह लेनी होती है, खाने के लिए जो कुछ भी लेना होता है वो जो है शेयर करते हैं। वो फिर शाम को जाता है, रात को भी लोग जाता है, और शहरी वाला जैसे दोपहर को जाता है। तो रूटीन शेयर, जैसे कि रमज़ान है तो रूटीन शेयर करेंगे। इसके अलावा हम डिफरेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास और टॉपिक कोई नहीं है। ठीक है जी, तो यही हमने दिखाना है, यही बातचीत करनी है। लेकिन जो ये कहते हैं कि रोज़ाना एक ही बात होती है, वो तो नहीं। आप मैंने चेंज कर दिया ना, पिछले भी लोग में तो ये बात नहीं हुई ना, चेंज हो गई ना। ऐसे ही होता है कि चेंजमेंट तो होती है हाल अहवाल की। ठीक है जी, बाकी जो है डिफरेंट करें या मुख्तलिफ करें या जो भी है वो बाद में टॉपिक पे होता है। तो हमने ये जो है चीज़ बनाई हुई है, इसी चीज़ पे हम दिखाते हैं, फोकस करते हैं। तो इसके लिए वेरी सॉरी, क्योंकि कमेंट आया हुआ था तो मैंने समझा मुनासिब समझा के बोल दूँ, क्योंकि रमज़ान में रोज़े रखते हैं, टाइम इतना नहीं होता। तो दिन को कोई टाइम रिलैक्स होते हैं, सोते हैं, सोने के बाद उठते हैं, फिर रूटीन शेयर करते हैं, सामान वगैरह लेना सारा कुछ ये शुरू करते हैं। जब रमज़ान ख़त्म होगा इंशाल्लाह ताला, ज़िंदगी बाकी, तो फिर चैन जो है में लाया जाएगा। अभी हम वेरी सॉरी चैन नहीं ला सकते। ठीक है जी, क्योंकि माह रमज़ान होता है ना, रोज़े रखने होते हैं, और टाइम से सोना, टाइम से जागना, ये सब चलता है। रोज़े रख के इधर उधर हम भाग दौड़ या किसी के घर आना जाना, ये तो नहीं हो सकता ना। हाँ जी, ना कोई चीज़ हम बना सकते हैं। या तो ये है कि अगर अफ्तारी पे कोई बुलाए ना, तो है चलो अफ्तारी पे बुलाया, उन्होंने ये हुआ वो हुआ सारा, वो समझ आता है। ठीक है जी, तो प्यारे बहन भाइयों यही जो है ना वो बर्दाश्त करें, जो हम दिखा रहे हैं वही बर्दाश्त करें, जो बोल रहे हैं वो भी बर्दाश्त करें। मेहरबानी आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और भी फंटेस्टिक और ज़बरदस्त जो है कमेंट आया हुआ था, उसका जवाब आपने देना है जी। यहाँ पर जी फिर आता हूँ मैं आपकी तरफ। ये जो है ना, ये बैठा है जी मौज़म अली खान उर्फ नंबरदार। तो नंबरदार बुलाने में ना हमें खुशी होती है, असल में अल मरूफ जो किया हुआ है ना इसको, तो नंबरदार ज़्यादा नाम लेने से ज़्यादा खुशी होती है। वैसे इसका नाम मौज़म अली खान है। ठीक हो गया जी, तो खान जो हैं वो सिर्फ पठान नहीं होते, खान जो हैं बलोच भी खान होते हैं। ठीक है जी, राणा राणा भी है, राणा राजपूत राणा वो भी खान लिखते हैं, वो भी खान होते हैं। सरेकी बलोच जो हैं वो भी खान होते हैं। ठीक है जी, तो ये सारे खान होते हैं बलोच की कास्ट में, खान खान खान, और पठान की कास्ट में खान खान होता है। ठीक है जी, तो ये बात है। तो कमेंट आया हुआ था जी, आज पिछला जो व्लॉग है, पिछला व्लॉग जो शहरी का है, अच्छा ये अभी शहरी का है, उसमें कमेंट आया था समीना आपकी तबीयत का में क्या मसला है, आज चुप चुप है, ज़्यादा नहीं बोल रही हैं, कोई परेशानी है, क्या मसला आपके साथ चल रहा है। तो मैंने कहा कि जब मैं ये व्लॉग बनाऊँगा तो उनसे ये बात करूँगा, तो वो मज़ीद बताएँगी वो किसी परेशानी में हैं या टेंशन में हैं, किस तरह ये मसला पेश आ रहा है कि इतना आपको डाउट हुआ देखने वाली बहन को कि आप चुप चुप हैं, ये क्या मसला है, क्या रोला है। तो इसलिए मैंने ये कॉमेंट आपको सुनाया है। ठीक है जनाब, अब आप इसका जवाब जो है आपने देना है लाजमी। जवाब ज़रूर देंगी, क्यों नहीं दूंगी। तो आजकल देखा जाए तो हर बंदा परेशान है। ठीक है ना, और ये छोटी छोटी जो टेंशन परेशानी होती है ना, ये कोई मेरी बहन भाई ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि हमारे साथ शेयर करो। कोई ऐसे भी आ जाते हैं दिल दुखाने वाले, वो कहते हैं ये न्यू ड्रामा।
अच्छा ठीक है ना। और वैसे जो है ना माशाल्लाह माह रमजान है, रोजे भी रख रही हूँ, और ऊपर से जो पहले से मेरे बहन भाई मेरे साथ जुड़े हुए जो देखते हैं, शायद वो सिस्टर मेरी न्यू आई है, तो मैं बीमारी की हालत में ना काफी अरसे से गुजर रही हूँ। वो जो है ना न्यू नहीं है तकरीबन, तो वीडियो देखने के हिसाब से वो जो है ना एक कमेंट किया है, वो नया बंदा नहीं कर सकता, क्योंकि रूटीन वाइज जो आपको पहले से कुछ देख रहा है ना, पहले से जो देख रहा है उसको चेंज आया ना इस वीडियो में, चेंज लगा चुप चुप क्यों है, तो वो जो है मेरे ख्याल में पुरानी है। न्यू जो है ना वो अब मज़ीद आपको देखेंगी, आपकी तबीयत को समझेंगी, मेरी तबीयत बात किस तरह ये वो सारा समझेंगे ना न्यू वाले जो हैं, ठीक है जी, ये जो हैं पुराने हैं। बाकी आप कैरी ऑन रखें अपना, शुगर का मर्ज है आपको। जी बिल्कुल, मैं बता रही थी कि मैं बीमारी की हालत में भी हूँ, ऊपर से परेशानी भी ज़रूर होती, क्यों नहीं होती। एक तो जो हमारा मसला बन गया है वो मोबाइल का, ये जो हमारा मोबाइल था ब्लॉक वाला वो ख़त्म हो गया है, तो वो बन नहीं रहा, और जो है न लेने की गुंजाइश नहीं हो रही, और ये वाला जो मोबाइल है जिस पर वीडियो बनाते हैं ये हमारा साथ नहीं दे रहा, ये परेशानी है। इसका कैमरा चलता है, चले तो चला जाए, ना चले तो फिर चलता ही नहीं है, फिर घंटा रेस्ट के बाद व्लॉग भी नहीं बनते। हाँ जी, इसलिए हमारे जो हैं ये लंबे लंबे क्लिप होते हैं, 5, 6, 7, 8 मिनट के, इसीलिए होते हैं क्योंकि कैमरे को अगर हम बंद करके दोबारा चलें तो मसला बनता है, इसीलिए चला के रखते हैं, जो बनेगा बन जाएगा, ये बात है। ये इसका कैमरा वर्क नहीं करता, काम नहीं करेंगे तो बच्चों को कैसे खिलाएंगे, ये भी हमारी जॉब है, नौकरी है। बिल्कुल जॉब है, बिल्कुल जॉब है, इस पे हम टाइम नहीं देंगे तो हमें कुछ वसूल नहीं होगा। अच्छा, एक और कमेंट जो है वो भी आया हुआ था कि ये कोई ये क्या बात है, आप इस तरह जो करते हैं, इस तरह औरतों के नाम के चैनल क्यों बनाते हैं, और जब औरत फैमिली चैनल है, औरतें हैं, बच्चे हैं, सभी हैं, तो औरत का नाम तो ले सकते हैं, रख सकते हैं, ये क्या बात हुई है कमाल हो गया। उसके बाद मेरी बात सुने, वो जो जिन्होंने कहा कि औरतें आप क्यों रलाते हैं, रलाते नहीं, रलाते नहीं, औरतों के चैनल क्यों बनाते हैं? नो, चैनल बनाते हैं लेकिन औरतों के नाम पे क्यों बनाते हैं? औरतों के नाम पे इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं और बाहर के जो है ना हमारी फैमिली मेंबर ज्यादा औरतें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बहनें हैं, माएँ हैं, बेटियाँ हैं, जो ज़्यादातर जो है ना ये देखें औरतों के नाम पे वीडियो बनाई, चैनल बनाई, लेकिन मर्द होते हैं। हम तो औरतें हैं, औरतें का जो काम है, फैमिली ब्लॉग है, फैमिली चैनल है, वो तो औरतों के नाम से होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे मैं ना काम औरतें पे होता है, जो काम होता है हमारा रूटीन वाइज वो औरतें करती हैं, चैनल भी औरतों के नाम का होता है। और जो मतलब के मर्दों के नाम के चलते हैं ना, वो चलते हैं, अलग ऑडियंस आती है उनकी, उसकी ऑडियंस अलग आती है, ये फैमिली व्लॉग जो है इनकी ऑडियंस अलग आती है, फैमिली में चलते हैं ना। हाँ जी, क्योंकि फैमिली का दिखाते हैं, और वो जो है मर्द एडीज वाले जो होते हैं वो अपने शुगर वगैरह दिखाते रहते हैं, कहीं चला गया, कभी कहीं चला गया, तो उसके हिसाब से उसका जो ऑडियंस मुंतखब होता है ना, तो वही ट्रैफिक है उनकी, ठीक है, वो और जगह से आते हैं, और ये फैमिली जो है ये किसी और जगह से आते हैं, ठीक है जी, इनके सेम नहीं है इतना खास, ये बात है, उनके अलग हैं और इसके फैमिली के अलग हैं जी, तो इसीलिए फैमिली के नाम पे रखे जाते हैं चैनलों के नाम, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मसला नहीं है, ठीक है जी। बाकी और भी एक थोड़ी बात थी, वो भी शेयर कर दी जाए, अभी याद आई थी लेकिन फिर वो ना मामू जान उधर थक के बैठ गए थे लैन पर, ये पिछले व्लॉग में बात हुई है, ठीक है, तो उसमें कमेंट आया कि आप इस तरह क्यों करते हैं, ऐसा ना किया करें, यूँ ना किया करें, वो ना किया करें, तो एक बंदा यहाँ पे मजबूर है, उसने उधर कहा फिर आप जो है इस तरह ना करें, ये करें वो करें, जॉब करें, जॉब तो ऑलरेडी वो कर रहा है 15,000 रुपये, मामू नसीम ऑलरेडी जॉब तो कर रहा है 15,000 ले रहा है, लेकिन घर को कैसे चलाए भाई, और पाकिस्तान में ये हाथ में रख के ना नौकरी नहीं देने आते, ये लो नौकरी, ये लो जॉब, ये प्राइवेट भी जॉब करें, रात भी यही बात करती, फिर तो दोबारा यही बात करने आ जाते हैं, उनको बताया भी है कि नहीं है हालात, पाकिस्तान के हालात नहीं हैं, रात यही बात हो रही थी, फिर उसी बात को उठा के फिर कमेंट में डाल देते हैं, पूरी वीडियो देखें तो पता चले ना क्या क्या बात हुई, कैसे बात हुई, आगे जाके कैसे बात हुई है, क्या बात हुई, सारा सुन ले बाद में, हम रोज़ रोज़ कहते रहे कि पाकिस्तान के हालात इस तरह नहीं है, सेठ हैं,
सनतकार है, सब परेशान है, ये बात है। करने को तो सब कुछ है, करने को तो सब कुछ है, पेमेंट कौन देगा भाई? आजकल इतनी हालात आ गए, कोई काम पे लेता भी नहीं है। हाँ जी, पहले तो इनकार कर देते हैं, कहते काम है नहीं यार, हम ऐसे वेले बैठे रहते हैं, हम कैसे बंदा खड़ा है आपका, कैसे हम उसकी पे करें, कैसे उनकी तनख्वाह पूरी करें? सनतें तो बंद होती जा रही है, फैक्ट्रियाँ तो बंद होती जा रही हैं, काम बंद होते जा रहे हैं, मुआशी हालात ख़राब हो गए हैं। तो ये चीज़ होती है मेरे प्यारे बहन भाई, नाराज़ भी नहीं होना मेरी बात पर, क्योंकि सच थोड़ा ना कड़वा होता है। तो हम यही बात हर बात करते हैं, लेकिन हर बार यही ना आप किया करें कि बार बार कॉमेंट करके फिर ना हमें आजमाइश में नजर डाला करें। बाकी अल्लाह की रहमत है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है जी, जब उसने ज़िंदगी दी है, जब पैदा किया, तो रिज़्क का मालिक भी वही है, और रिज़्क का वादा जो है उन्होंने कुरान मजीद में कर दिया है अल्लाह ने। ठीक हो गया। तो मज़ीद जो है मेहरबानी करें, मज़ीद इस तरह के कॉमेंट पर ऐद किया करें। आप सबको पता भी होता है, लेकिन जेल थी में पता नहीं किस तरह से कॉमेंट कर देते हैं। बहुत शुक्रिया जो अच्छे बहन भाई हैं, माशाल्लाह 7 से 8, 10 उनके कॉमेंट माशाल्लाह ज़बरदस्त आते हैं। एक आता जो है वो दूसरा जेलसी वाला आता है, तो नो टेंशन, इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बोलना पड़ता है, ये मसला आता है जी, और कुछ नहीं है। हाँ जी, खा रही दही तो अभी बची हुई है रोटी? आपने दरमियान में पी रहे हो यार, 10 मिनट ऊपर कैप चला गया यार, बताया नहीं है। प्यारे बहन भाइयों, जो मैंने बात की है, बिल्कुल असल बात यही है, हर एक अपना मसला होता है, अपने मसाइल होते हैं, घरेलू परेशानियां होती हैं, सब कुछ होता है। ठीक है जी, तो रूटीन जैसे शेयर करते हैं, जो बात होती है वही शेयर कर देते हैं, जो जब कोई बात है ही नहीं तो उसको क्या शेयर करना, जो बात होती है तो वही शेयर करते हैं ना, ये मसला हुआ, वो मसला हुआ, ये टेंशन है, ये परेशानी है, इसी का नाम तो व्लॉग है ना। व्लॉग बनाने का मकसद भी यही है कि जो चीज़ आपने है, आपके आपके मतलब के रहने के कोई परेशानी है, कोई मसला है, मसाइल हैं, सारे जिन वाले करने पड़ते हैं। तो अभी जो है देख रहा हूँ कि सब जो है उठ गए हैं या कोई रहता है, तकरीबन सारे उठ गए हैं। तो टाइम जी कितना हो गया है, 4:15 उनसे काटे हैं, 45:55, बस टाइम थोड़ा रह गया जी, टाइम बहुत थोड़ा रह गया जी। तो करते हैं क्या उसको कहते हैं, सहरी जो है वो करते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी में इधर जाते हो दुआ सलाम कर लेते हैं, दुआ सलाम करने के बाद ना फिर वापस जा के ना खाना खा के फिर रोज़ा जो है उसकी नियत करेंगे। ठीक हो गया जी, स्टे विद अस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। क्या हाल है जनाब, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, बिल्कुल ठीक ठाक है। और अम्मी जान क्या हाल है आपके, ठीक ठाक हैं? और अबू जान का क्या हाल है? वो भी ठीक है। ठीक है ना, चलो। क्योंकि जी अबू जी जो है ना वो ज़रा सुनते हैं, हाँ कम सुनते हैं, इसलिए। ठीक हो गया। और मुंशी साहब ठंडा पानी रखा हुआ है जी, थोड़ा पिलाओगे? आपकी मेहरबानी होगी। अगर नहीं पिला नहीं, वो दूसरा मिक्स कर लेना, अगर ज़्यादा ठंडा है तो दूसरा मिक्स कर लेना, सही है ना? नॉर्मल वाला है, नॉर्मल है ना, वो तो बोतल को देखने से लग रहा है कि नॉर्मल ही है तकरीबन। सुराही रखी हुई है जी पानी की, हाँ जी, दिल्ला कहते हैं, दिल्ला दिल्ला भरा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, ऐसी ही बात है। ये मिट्टी का जो बर्तन होता है जिसको घड़ा बोलते हैं, घड़े में पानी रखते हैं, गर्मियों में रखें, बाहर के गर्मियों में रख दें, किसी छाँव की जगह पे रख देना, ये इतना जो है ज़्यादा ठंडा हो जाता है कि आपको बर्फ़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ही पूछिए, ये दिल्ले का काम, ये ज़बरदस्त वाला है ना, दिल्ला घड़ा, थोड़ी सी बर्फ़ डाल दें तो सारा दिन ठंडा। हाँ ये बात भी है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर ढक्कन डालना बिल्कुल फिट हो जाता है, जब फिट हो जाता है तो फिर ओ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या अल्लाह दी खैर ते हर दा भला, मुंशी दी खैर, मुंशी दी खैर। पानी पी लेते हैं जी।
और किधर गए हैं? खा गए हैं? खा गए। जैन मामा सारे सबसे पहले आता है, सबसे पहले जाता है। अच्छा, खा के ख़त्म चला जाता है फौरी? उसको सोने की जल्दी होती है। और भाभी सबा भी आ गई है, दौड़ दौड़ लगा रही है, टाइम कम है। ये ले मुंशी, बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, बोलो ना हमें हर वक्त याद रहो। आज क्या पकाया था जी? आलू अंडे। वाह, आलू अंडे सब बेटा सालन बनता है यार। सिर्फ अंडे भैया? सिर्फ अंडे, आलू अंडे नहीं, कल अंडे। ओ, अब आलू में निकाल दिया। एक अंडे होते हैं भुने वाले, वो होते हैं गरम। हाँ। एक अंडे होते हैं उबले वाले, शोरे वाले, वो होते हैं। यस हाँ। वो बनाए अम्मी, देखो रुखा खा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नसीब फरमाया। हाँ अम्मी जान दही खा रहे हैं जी चम्मच के साथ। नहीं पहले कटोरी अंडे की खाई है ना। हाँ वो साथ में वो रखी हुई है जो वो वाली। ये वो क्या यखनी बोलते हैं जिसको, वही खा रही है। दही खा रही है। नहीं वैसे कह रहा हूँ, मुझे पता था दही खा रही है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बरकत वाला दस्तरखान है जी। अल्लाह पाक मजीद बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। टाइम रह गया जी, थोड़ा चलते हैं अपने घर, खाना वगैरह खाते हैं, सैरी मुकम्मल कर लेते हैं जी, फिर इंशाल्लाह ताला सोएंगे, क्योंकि रात के जो है जागे हुए होते हैं। ये देखो इधर आलू वगैरह भी हैं और अंडे भी हैं, गोभी मटर भी नज़र आ रहा है, सारा कुछ एक साथ नज़र आ रहा है। मुंशी आपने खा लिया गाड़ी अपना? क्या बोलते हैं, खाना खा लिया? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, पानी पी रहे हैं। 2 बजे खाया है खाना? अभी खाया है। अच्छा अच्छा, मैंने कहा 2 बजे खाया, क्योंकि 3:10 पे तो मैंने आपको उठाया था आके। रोजेदारो उठो, अल्लाह दे प्यारो, जल्दी रोजा रखो। हाँ जी, आध घंटा और लगा दिया। ओहो भाई मैं उठ गया, हसन जल्दी उठ गया। अच्छा फिर मैंने इनको उठाया, मुंशी साहब भैया को, कि आप जाओ दही ले आओ। ये दही लेने चला गया, हसन जल्दी उठ गया, मैंने उसको सुलाया। 10-15 मिनट वहाँ चाट हो गए मेरे। कोई नहीं, ऐसा होता रहता है, लेट हो जाती है किसी वजह से, बच्चों वाली मैं अक्सर लेट हो जाती है। हाँ जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सही तो बना ली है, सही तो हो गई है। माशाल्लाह जी जबरदस्त हो गया, चलते हैं वापसी। ओह ओ माशाल्लाह, क्या सरदार, क्या हाल है पुत्र, ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बोलता है बता, गर्मी वाला क्या बोलता है? कौन? जर्मनी वाला? जर्मनी वाला जो नंबर लिया था, बस वो जो आपको हेल्प करनी है ये वो, किसी को बताना नहीं। मैंने कहा आपने हेल्प करनी है तो इसका बताने का क्या मतलब है, आप अजहर भाई से रब्ता करें, ठीक है? आपने उससे नंबर लिया है मेरा, तो अगर करनी है तो उससे रब्ता करें, उसके आईडी कार्ड पे भेज दें, बाकी जो बात है उससे करें। अच्छा अच्छा, ये बात है, चलो कोई काम था शायद, ठीक हो गया ना, अच्छी बात है। मुंशी चलना है? मुंशी किधर जाएगा आजकल? मुंशी जो है ना मुंशी आजकल ना वो कर रहा है, नहीं बना रहा वीडियोस वगैरह, व्लॉग वगैरह नहीं बना रहा। अभी मैं आ रहा हूँ उधर व्लॉग बनाने। हाँ जी चलो आ जाओ, इसीलिए तो बोल रहे ना आगे व्लॉग बना लो। आपके घर एक चक्कर लगाऊं? मैं अभी जा रहा हूँ ना, मैं जाके सैरी करूँगा, आप फ़ौरन से आ जाए, व्लॉग बना लेना, ठीक है? नहीं तो फिर मैं सो जाऊँगा, फिर सोते व्लॉग नहीं बनाने दूंगा आपको, ठीक है? सही है, ऊपर से भी लोग सोया भी बना ला। वाह 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 वाह, पानी देना। चलें जी चलते हैं, टाइम थोड़ा रह गया जी, सैरी कर लेते हैं, उसके बाद जो है सेटिंग वेटिंग को बाद में देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। या रब अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। मामू ना कुंडा लगाया हुआ है जी, चलते हैं, सो गए हैं, फिर सारी रात जागते हैं, फिर सैरी करके सो जाते हैं। तो हमने भी सैरी करके सो जाना है, और आज जो है ना ज़बरदस्त हवा चल रही है, ज़बरदस्त फैंटेस्टिक जो है ना वो चल रही है। बारिश का शायद उस समय बताया था, बहुत से जुमरात जुम्मा हफ्ता छोड़ के फिर एतवार बारिश जो है ना वो बताई गई हैं महकमे मौसमियात के मुताबिक, तो बाकी जो है ना वो अल्लाह के काम है।
दे या ना दे बारिश, वो अलग का काम है जी। तो महकमे मौसमियात वाले बता रहे हैं कि 3-4 दिन का ना ठंडी हवाएं चलेंगी इंशाल्लाह ताला, नरम झम बारिश भी होगी, अल्लाह की रहमत होगी। रमज़ान रोज़ेदारों के लिए बड़ी जो है ना रहमत होगी अल्लाह की, तो रोज़ेदार रोज़े रखेंगे तो भूख प्यास से बचेंगे, गर्मी ज़्यादा नहीं होगी, मौसम ठंडा रहा तो करते रहेंगे। अभी जो है ना मैं वापस पहुंच चुका हूं घर, तो सैरी करते हैं, सैरी करने के बाद फिर आपसे शेयर करते हैं। हाँ जी, कहाँ पहुंची आपकी सैरी? अभी रास्ते में। अच्छा, टाइम रह गया जी बिल्कुल आधे घंटे के करीब। ठीक है जी, तो मैं आया हूँ, मैंने कहा कि जल्दी ना सैरी कर लेता हूँ, खा पी लेता हूँ, फिर जो है कुछ ना कुछ करते हैं। नहीं हो गया? ओके। चलो जी, माशाल्लाह अल्लाह खुश रखे। बिस्मिल्लाह जी, किसी ने हमारे साथ सैरी करनी है तो आ सकता है, सैरी हम करवाएंगे आपको बिला झिझक बिला तकल्लुफ। ठीक हो गया जी। कही सुनी माजरा जी, ये करना पड़ता है, कमेंट वगैरह के जवाब कभी कभी देने पड़ जाते हैं, आपने टेंशन नहीं देनी है। ठीक है जी, ये ज़िंदगी का ये भी हिस्सा होता है, एक तनकीद होती है ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है, कोई समझाने की बात करता है, कोई बुलाने की बात करता है, कोई मनाने की बात करता है, बात बात होती है ना। ठीक है जी, हाँ इसी वजह से आप कहेंगे, आप भी कमेंट आएगा कि परेशान है, बात करते हुए आप बिल्कुल सीरियस हैं। हाँ जी, ये मसला है, वाकई सही कह रहे हैं वो। बस जी, हम जो है ना बहुत ही परेशान हैं, हमको मजीद जो है ना छोड़ो ना छेड़ो, हम बहुत ही परेशानी के आलम में गुजर रहे हैं आजकल। और ये तो जैसे कि इसको चुप ही ला गई है, कोई बात ही नहीं करती, जैसे गूंगी हो गई है। खुदा ना खास्ता अल्लाह खैर करे, बस ये जहन पे दबाव देने वाली, जहन को खराब करने वाली सारी जो चीजें है ना, मनफी प्रोपेगंडे, मनफी कमेंट्स, मनफी तनकीद, सारी चीज उन्हें दिमाग की पत्ती बना के उधर डाल दिए, गैस सिलेंडर के चूल्हे के जैसे चाय का पतीला उसमें डाल दिया। तो हमारा ज्यादा दिमाग ना खाए, मेहरबानी करके अपना दिमाग इस्तेमाल किया करें। ठीक है, हर किसी का अपना दिमाग काम करता है, जिसका दिमाग जितना हो उतना काम करता है। अब मेरा दिमाग जो है वो है नहीं, तो इनका दिमाग जो हैंग है। ठीक है जी, बात करते करते हैंग हो जाती हैं, फिर कहती हैं कि मुझे कोई मसला नहीं है। ये याद रखनी कैसी बात है, आपको कोई मसला नहीं है तो आप गुल खेर टेंशनां परेशानियां खुशियां, ये कहते चढ़ाई ये नहाई, ये कहते उतार चढ़ाओ, सब जो है ये लाइफ में चलता रहता है, और ये जो है ये भी लाइफ में चलती रहती है। आजकल तकरीबन काफी बंदे जो है इन्हीं पे गुजारा कर रहे हैं। तो ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई हैं कि बंदे को समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है। तो अल्लाह पाक करम फरमाए, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, फिर मान रखे। हमारी कोई बात अगर आपको गलत लगी है, या हमारी किसी बात से आपको तेरा जारी हुई है, या हमारी बात से जो भी आपको कोई मसला हुआ है, तो उसके लिए वेरी सॉरी, माजरत खा है। हम भी आपके भाई बहन हैं, आप भी हमारे भाई बहन हैं, आपका जो है हुक्म सारा को पार अल्लाह ताला खुश रखे जी। आमीन सुमामीन या रब्बल आलमीन। यहाँ पे अपने ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल शाम के ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।